पहुंच गया हूं ऊपर। ये जो जगह है वो 3642 मीटर्स है अपना सी लेवल से, जो होता है अपना 12,210 फीट की ऊंचाई के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ये है आपके फ्लैग्स, फाइनली हमें होटल मिल गया है। हम जिस होटल में रुके हैं उसका नाम है लेक व्यू होटल। ये है सामने होटल, जस्ट होटल जो है वो बिल्कुल लेक के बिल्कुल ही सामने है। ये नीचे अगर आपको दिखाई देगी तो ये है लेक। इस लेक की जो ऊंचाई है, अगर मैं इसकी एवेल्यूशन आपको बताऊं सी लेवल से, वो है 3636 यानी कि 11,829 फीट फ्रॉम द सी लेवल। तो हमें जो ये होटल था ये बिल्कुल ही लेक के सामने मिल गया। ये देखिए, आपको यहाँ से आपको लेक दिखाई देगी, ये है लेक। और सामने हम जाएंगे सनसेट पॉइंट पे देखने के लिए। तो और ये रहा मेरे पीछे होटल। होटल भी रीज़नेबल रेट पे हमें मिल गया क्योंकि थोड़ा सा ऑफ सीज़न चल रहा है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा वॉक करने, मैं ऊपर से बताता हूँ फिर आपको सारा कुछ। तो सो फाइनली गाइस, मैं लेक तक पहुँच चुका हूँ। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका व्यू। इसका जो मैंने एलिवेशन आपको बताया था अबव द सी लेवल इज 3636 एंड 11,829 फीट फ्रॉम द सी लेवल। तो अभी यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, काफ़ी रोशनी है। तो ये है नाको लेक पूरी की पूरी। और क्योंकि इस टाइम जो सूरज है वो डाउन जा रहा है, इसलिए और ये है सराउंडिंग पूरी की पूरी नाको लेक की। तो सो गाइस, ये है नाको लेक और ये है नाको लेक की सराउंडिंग। तो होप यहाँ से अभी क्या है कि हम इससे जाके आप अपना राउंड भी मार सकते हो नाको लेक का। तो अभी फ़िलहाल मैं राउंड लगाऊँ मारने नाको लेक का, तो आपको नीचे दिखाई देगी लेक। मौसम के हिसाब से देखा जाए तो मौसम ठीक है, ना गर्मी है ना इतनी ज़्यादा सर्दी है इस टाइम पे। तो अगर ज़्यादा सर्दी हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि थोड़ा ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कई बार। चलिए, तो ये पूरा का पूरा जो सराउंडिंग है वो इस लेक के ही तरफ है, अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं लगे हुए। तो गाइज, ये थी हमारी नाको लेक। इसका एक राउंड काटेंगे और फिर हम आगे से ऊपर चले जाएंगे सनसेट पॉइंट के लिए। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले मोमेंट पे। तो सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ सनसेट पॉइंट। ये ऊपर है, यहाँ पे मेरे पीछे है पूरा का पूरा नाको विलेज। मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा नाको विलेज अपना जूम करके कि कैसा लगता है। तो ये है हमारा रास्ता सनसेट पॉइंट जो जा रहा है, और वो ऊपर छोटा सा दिख रहा है सनसेट पॉइंट और नीचे नाको विलेज है। मैं आपको नाको विलेज ऊपर से जाके दिखाऊंगा प्रॉपरली उसके क्लोजअप शॉट्स लेके। तो आइए अभी चलते हैं ऊपर सनसेट पॉइंट पे फटाफट से, क्योंकि मैं टाइम लैप्स बनाने के चक्कर में हूँ। तो जल्दी से चलते हैं, आइए फटाफट से। हाँ गाइस, तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ ऊपर। ये जो जगह है वो 3642 मीटर्स है अपना सी लेवल से,
जो होता है अपना 12,210 फीट की ऊंचाई के ऊपर। तो यहाँ तो मैं मोनेस्ट्री के लिए बिल्कुल बीचों बीच गांव के बीचों बीच से जा रहा हूँ। देखिए ये है रास्ता मोनेस्ट्री जाने के लिए, प्रॉपर एक पुराना गांव है नाको। यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती होगी इसीलिए। देखिए यहाँ पे घर कैसे हैं, मकान कैसा है। देखिए रास्ता भी बिल्कुल ही पुराना टाइप का रास्ता है, कंस्ट्रक्शन कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। ये आ गया मैं ओपन एरिया में। ये देखिए ये जो पीछे रेड कलर की दिख रही है ये है नाको मॉनेस्ट्री, और ये बहुत पुरानी मॉनेस्ट्री है। देखो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसीलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। तो सो गाइस आज ये था हमारा ट्रिप, यानी कि नाको मैंने आपको दिखाया सनसेट पॉइंट, और फिर मैंने आपको दिखाई नाको मॉनेस्ट्री जो मेरे पीछे है। चलिए तो अब हम मिलते हैं आपको, अगर मैं मार्केट जाता हूँ तो मार्केट का अगर होता है कुछ तो दिखाता हूँ, नहीं तो मैं नाको का आज अपना यहीं पे ही हम फिनिश करते हैं। और कल जब हम लोग वापस जाएंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगा कि कल हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं।